मॉर्निंग क्लास। सो इन आर लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड किया था। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द होमवर्क विच आई असाइंड यू इन आर प्रीवियस लास्ट क्लास मैंने जो होमवर्क दिया था किसी ने करा है? लक्ष्य आपने नोट डाउन भी करा था? ओके रेडी है? चलिए मैं भी ओपन करूँ अपने आंसर्स, आप भी ओपन अपने आंसर्स के साथ में। रेडी हो? मैं आपको क्वेश्चन दिखाती जाती हूँ एंड आप अपने आंसर्स बताइए। हाँ जी लक्ष्य, मैं आपको ऑप्शन दे रही बच्चा, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट स्लाइड। मैंने लास्ट में स्लाइड के एड ऑन कर दिए थे आंसर्स की, और इस आल्सो इस आरएमएस 2016 के भी फ्यू क्वेश्चंस आर पेंडिंग, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। चलो लक्ष्य बताओ क्या क्वेश्चंस दिए थे मैंने सबसे पहले। तो मैम आपने जो मैम क्वेश्चन दिए थे ना कल, मैम हमारे अर्जेंट में कहीं जाना पड़ गया इसलिए मैम। वेरी गुड। ये ना नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं होते हैं। अगर आप आर्मी में जाओगे और सामने है ना मतलब आ जाएगा अब आपको करना है कुछ, तो आप ये कहोगे नहीं मुझे तो कहीं जाना है, मैं आपको कल आकर के मैं आपसे फाइट करूंगा। या मैम क्वेश्चन ये थे कि मैम इंडिया में हम कितने लैंग्वेजेस थे? लैंग्वेजेस है, हाँ जी बताइए। अब कहाँ गए चेतन, कहाँ है? यू वॉज वेरी श्योर। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को, एक मिनट मैं बोलूँ, एक बार मैं बोल लूँ, सुनो मेरी बात। मैंने बोला था उस दिन यू वॉज वेरी श्योर कि नहीं मैम इतनी ही लैंग्वेजेस है। मैंने बोला था कि नहीं लैंग्वेजेस को लेकर के थोड़ा सा इशू चल रहा है। यस रोहित, अब बताओ आपकी क्या सर्च, आपकी रिसर्च क्या कह रही है, कितनी लैंग्वेजेस है? मैम ऑफिशियल, मैम इंडिया में तो ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस है। मैंने वही बताया था, ऑफिशियली है 8 शेड्यूल में जो आपने डिस्क्राइब किया है। लेकिन पूरे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे जो की हमें डिस्कवर बोला था ना, अभी हमने डिस्कवर भी नहीं किए लैंग्वेजेस इतनी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैम बहुत सारे लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। ठीक है चलो, ये आपका आंसर रोहित की रिसर्च। नाउ फाइन गुड। हाँ मन्नत, आपकी रिसर्च क्या कह रही है, क्या करके आए हो आप? मैम मैंने सर्च मारा था मैम, वो बता रहे थे 121 लैंग्वेज है। यही तो गलती होती है, गूगल ने कह दिया सही है मतलब सब सही है, ऐसा नहीं होता। गूगल बाबा इज नॉट ऑलवेज राइट। अब देखो जैसे चेतन कहाँ पे है, चेतन वॉज वेरी श्योर। नहीं मैम मैं बता रहा हूँ ना, आई थिंक वो आज क्लास में नहीं है। चलो एनी हाउ, ये युग देवांश चिराग प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि 121 लैंग्वेज हमें बता रहे थे आप लोग भी, ऐसे मन्नत भी बता रही है। बट बच्चा अभी आपका जो 2001 का सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मेजर 122 लैंग्वेजेस उन्होंने बता दी, मेजर लैंग्वेजेस। ऑल्सो लैंग्वेज को हम लोग ये देखो 1599 और शायद और भी बहुत सी होंगी, वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज और डायलेक्ट में है, भाषा और बोली में बहुत डिफरेंस है। सो हम कई बार उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि पर्टिकुलर ये लैंग्वेज है या फिर ये कोई बोली है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मन्नत अपने राजस्थानी होती है, ठीक है, तो राजस्थान में भी मेवाड़ की मतलब मारवाड़ी जो है वो अलग है, शेखावट की अलग है, शेखावटी अलग है, ठीक है। तो उसे पर्टिकुलर लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज या फिर जो राजस्थानी लैंग्वेज है, अब उसमें भी बहुत से डायलेक्ट है। इन दैट सेम वे जैसे गुजरात की है तो गुजरात में भी बच्चा बहुत सी बोलियां है, लाइक काठियावाड़ी अलग है, कच्छ की गुजराती अलग है, अहमदाबादी गुजराती अलग है, बड़ौदा के वहां की गुजराती अलग है। सब ये डिफरेंट बोलियां होंगी, तब हम इनको किसमें काउंट करें? बस गुजरात की गुजरात में गुजराती है, ठीक है, बट अब उन सबका टोन अलग है, वर्ड्स अलग है, ठीक है। लाइक अब जैसे वर्ड होता है एक झाड़ू, झाड़ू पता आपको, ब्रूम, अब उसको गुजरात में जैसे कुछ बुआरो कह देंगे, कुछ सावणी कह देंगे। तो देर आर मैनी, मतलब एक ही वर्ड के उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही डिफरेंट डायलेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग्स निकल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रोहित समझ में आ रहा है? यस्मीन समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी हम कोई एग्जैक्ट फिगर मैं तो नहीं मार्क करवाना चाहूंगी कि कौन सा एग्जैक्ट फिगर है, और मुझे बहुत श्योरिटी के साथ चेतन ने और इवन मन्नत बहुत सेइंग कि नहीं मैम इतनी ही लैंग्वेज है, बट मैंने बोला इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो एज इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 121 रिकग्नाइज कर रहे हैं, फाइन, जैसे आप गूगल पे सर्च मारोगे सबसे ऊपर आ जाएगा 121, बट जब आप विकिपीडिया ओपन करोगे तो 2001 के सेंसस में ही 122 तो हो चुकी है। उसके अलावा 270 मदर टंग्स हैं, और भी बहुत लैंग्वेज है, मे बी ये फिगर भी सही नहीं है, आई डोंट नो, पर मैं पर्सनली कहीं सर्वे करने नहीं गई हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी ये होल्ड पे ही रहेगा, बिकॉज जो ये हमारा लैंग्वेज एंड डायलेक्ट का क्वेश्चन है वो भी अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, What was the next question? Anyone? हाँ जी मन्नत, क्या था question?
मैम एक क्वेश्चन आपने दिया था मैम, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट विच वन ऑफ द रिलीजन, मैम उसका आंसर हिंदू था पर मैम वो लॉर्ड कौन से थे वो नहीं पता चला, तो वही तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कौन से लॉर्ड थे, किसने सर्च किया? रोहित, यास्मीन। अब ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको देख रही हूँ, देख लेना ठीक है। एक क्वेश्चन यास्मीन आपने पूछा था गुलजारी लाल नंदा, सर्च किया आपने खुद अपने क्वेश्चन का आंसर? एक तो क्लासरूम में आप मिड क्लास में गूगल ओपन करते हो, फिर गूगल आपको बहुत से ऑप्शन देता है, फिर आप उस क्वेश्चन को वापस राइज करते हो, फिर अपना क्वेश्चन खुद ही भूल जाते हो। चलो तो देखो आपके जो गुलजारी लाल नंदा थे, चलो एक्सप्लेन करो यास्मीन, आप खुद पढ़ के बताओ मुझे ये कौन थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे ये हमारे, ठीक है। क्या होते हैं अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? रोहित बच्चा क्या होता है, कई बार सपोज हमारी जो पर्टिकुलर पोस्ट है, लाइक सपोज हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पीएम लिखे, या हमारे प्रेसिडेंट, या कोई भी और, सडनली उनको कुछ हो गया, उनकी डेथ हो गई, या सडनली वो कहीं बीमार हो गए बहुत ज्यादा, या कोई इंसिडेंट हो गया कि इंजर्ड बहुत ज्यादा हो गए, तो अब ऐसे टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट वैकेंट तो नहीं रह सकती ना, इसको खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। तो उस टाइम पे जब तक कि न्यू इलेक्शन नहीं हो जाता, अगर डेथ का केस है या फिर इंजरी या इलनेस का केस है, तो जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, तब तक थोड़े टाइम के लिए उनकी पोस्ट पे कोई और इंसान अपॉइंट हो जाता है। सो जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, सो इस टाइम पीरियड पे जब तक न्यू इलेक्शन नहीं हुए, तब तक बच्चा आपके जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, ओके। अब हमने बोला था कि सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट का तो वी डिसाइडेड, सॉरी हमने देख लिया था कि 12 इयर्स तक हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, सब शॉर्टेस्ट में जाकिर हुसैन थे। हमने इस क्वेश्चन को किया भी था कि विच प्रेसिडेंट डाइड इन हिज ऑफिस, इनकी डेथ इनके ऑफिस में होगी, ओके। चलो और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आई थिंक यही था, बस यही क्वेश्चन से। चलिए अब अपन अपना आरंभ स्टार्ट करते हैं, अगेन कुछ न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, एंड नो वन इज गोइंग टू ओपन गूगल, गूगल से मुझे कुछ सर्च करके अभी नहीं बताओगे, यू नोट डाउन दोस क्वेश्चन, एंड जब आपको आंसर्स मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी बताइए और अपनी नॉलेज को एनलार्ज कीजिए, ना कि बस क्लासरूम में गूगल ओपन करके बस क्वेश्चन बता दीजिए कि मैम इसका मतलब क्या है। चलो सो हम देख रहे थे लियोनार्डो द विंची की ये सारे नोटेबल वर्क है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चा वो मैं आपको बता देती हूँ, एक द लास्ट सफर इम्पोर्टेंट है, एक मोनालिजा, इन दोनों के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, बाकी का मैंने इतना नहीं देखा कि क्वेश्चन आपके हो रिलेटेड, तो बाकी की बस जस्ट रीडिंग कर लेना, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। द लास्ट सफर भी इनकी पेंटिंग है, देखना जीसस क्राइस्ट भी है उसके अंदर, काफी चीजें हैं उसके अंदर। यस रोहित, मैं मोनालिसा कौन है? मोनालिसा बच्चा वहां के इटली की थी शायद, ये एक मतलब पर्सन थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी वाइफ थी ये, लीजा नाम था इनका। सो इन्होंने इनकी पेंटिंग बनाई थी, बट बाद में उन्होंने फैमिली को पेंटिंग दी ही नहीं, और लास्ट में जाकर आई थिंक यूरोप में जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने इस पेंटिंग को ऑक्यूपाइड कर लिया था, और अभी आई थिंक ये वहीं पे है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि कौन से कहाँ पे है ये, कौन सी म्यूजियम में है ये, ठीक है, यूरोप में है, फ्रांस में है, आप मुझे बताओगे कौन सी म्यूजियम में है? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, मोनालिसा भी कहाँ पे है, हर नेम वाज लीजा, मतलब ये इटली में थी, इटली की लेडी थी ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, जो उल्टा उड़ सकता है, हमिंग बर्ड, सिंपल क्वेश्चन ठीक है, ये बस यही एक बर्ड है जो बैकवर्ड्स अपसाइड डाउन ये उड़ सकता है। हाँ जी रोहित, इसमें भी आई थिंक बी हमिंग बर्ड सबसे छोटा होता है, बी हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है वो, देखना उसकी इमेज गूगल के ऊपर सर्च करके, कर बड़ा ही ऊंचा लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वट इज एन ईवीएम, अब ईवीएम आपका क्या है, हमेशा आप इलेक्शन के टाइम पे सुनते हो, नाजल क्या है ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, ओके। चलो लाइफ इज गुड, किसका स्लोगन है ये, कौन से ब्रांड का है? ऋषि चिराग, मैम एलजी, यस एलजी का है लाइफ इज गुड। सो ऐसे छोटे छोटे से स्लोगन आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कल आप स्लोगन शॉर्टलिस्ट करके लाओगे, एटलीस्ट फाइव स्लोगन आपने शॉर्टलिस्ट करना है। अब ये मैं सर्च करके नहीं आऊंगी, ये आप सर्च करके आओगे, तो आप लोग खुद सर्च करके आओगे, यू पीपल विल लेट मी नो कि कौन कौन से फाइव फेमस ब्रांड्स के, लाइक एयरटेल का भी कुछ है, बीएसएनएल का भी कुछ है, वैसे ही हर किसी कंपनी का अपना अपना ब्रांड का कोई ना कोई टैग है, या कोई मोटो है, या टैगलाइन है, सॉरी एग्जैक्ट वर्ड इज टैगलाइन। तो अब आप एटलीस्ट फाइव के करके लाना, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सब बच्चे फाइव फाइव के बताओगे तो काफी हम एक बार सुन ही लेंगे, बस टीवी तो हम देखते हैं तो हमें एक तरीके से ध्यान होता ही है,
हु इन्वेंटेड टेलीविजन. अब हमने इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स कर लिया था. आई टोल्ड यू इन क्लास ऑल्सो. यस मन्नत, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? हाँ जी, हु इन्वेंटेड टेलीविजन मन्नत? जे एल बाल. यस, जॉन लुकी बेट ने टेलीविजन इन्वेंट किया था. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा? अब आपने अभी योगा करा था, जून में करा था, जुलाई में करा था, बहुत योगा करा था. क्या मीनिंग है उसका? यूनियन. यस, यूनियन इज द वर्ड. यस, यूनियन. देखो बच्चे, ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? यूनियन, इसका वर्ड मीनिंग का वर्ड तो ये है यूनियन, ठीक है? अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं. द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, युज से होता है, ठीक है? योग और यूनाइट, इसका मीनिंग क्या होता है? यूनाइट होना मीन्स अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना, फ्रीडम फील होना, मोक्ष मिलना. अब मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जो लॉजिकल या स्पिरिचुअल मीनिंग है, यहाँ पे लिबरेशन, जो आपकी जो इच्छा है उससे आप फ्री हो गए हो, यूनाइट हो गए हो, ठीक है? जो एटमोसफेयर है उससे जुड़ गए हो, और जो आपकी जो एक्स्ट्रा डिजायर है वो आपने छोड़ दी है. तो शॉर्ट में कर लो, बिकॉज ये मीनिंग बहुत लंबा है, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में है. हम अभी जब जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्री होके करेंगे ना, तब हम इन वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जब आप करोगे सो उसके टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा. चलो, इन विच सिटी जामा मस्जिद इज लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है जामा मस्जिद? सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली. चलो ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन दिल्ली. हूज स्लोगन इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड? मैम डी ऑप्शन. डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन का फुल फॉर्म मैम FAO. FAO का फुल फॉर्म क्या है? इसका तो इंडिया सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को का. और FAO का मीनिंग बताओ मुझे. मैं कहाँ बताऊँ यास्मीन? रोहित, चिराग, क्या है मीनिंग? सही बताया आपने भी. फूड एंड मैम ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ये आपकी यूएनओ की ही, हाँ जी, यूएनओ की एजेंसी है, ठीक है? यूएनओ की ही एजेंसी है. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल इन द ओशन, जिसे ज्वार भाटा के नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? मैम टाइड. डी ऑप्शन. यस, टाइड. अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, बस 4 लेक्चर आपका यही आ रहा है, मैं 2016 ने ले लिए है. ओके, सन एंड मून से ये होते हैं, सन एंड मून की वजह से. विच इज द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक्स? अब हमें पता ही था कौन सा था, अभी रिसेंटली हुआ, टोक्यो में हुआ है. सो अब ये देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो आप, इस स्लाइड को अच्छे से रीड करो, मैं तब तक अटेंडेंस ले लेती हूँ. नोट डाउन दिस स्लाइड. ये देखो आपके कब, ये देखिए यहाँ पे समर ओलंपिक कौन सा था, 31st वाला था. एंड विंटर यहाँ पे कौन सा है बच्चा? रशिया में जो हुआ था वो था 22. तो ये स्लाइड नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है. मैं अटेंडेंस लेती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, ठीक है? जस्ट अ मिनट, गिव मी फ्यू मिनट, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए. लोअर डाउन योर हैंड्स ऑल ऑफ यू. मैंने आपसे कब कहा आप हैंड रेज कीजिए? मैं तो आपसे कहती हूँ आप लोअर डाउन रखिए अपना हैंड. आई विल आस्क यू अपने आप ही, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स ऑल ऑफ यू. मन्नत, नाजर, लक्ष्य, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स. चलिए, अभी कोई बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है, हु वाज लॉर्ड इरविन, ठीक है बच्चा? सो लॉर्ड इरविन जो थे आपके वायसराय थे. अब कौन था ये? आर्यन. बच्चा अभी आप लोगों के क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट वायसराय आप मुझे बताओगे. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, नोट डाउन कर लो. फर्स्ट एंड लास्ट वायसराय जो है वो आप मुझे बताओगे कौन थे. नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. यस लक्ष्य, यू वांट टू से समथिंग? हम कौन सा क्वेश्चन? अभी आर्यन ने मुझे मैसेज किया था कि मैम हु इज लॉर्ड इरविन. सो वाइसराय थे आपके, तो चलो माइंड में आ गया मेरे कि आप पता करके लाओगे कल कि फर्स्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के और लास्ट कौन थे. मैम वॉइस वाइसराय, बी आई सी ई आर ओ वाई, वाइसराय, बी आई सी ई आर ओ वाई. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे. ये स्लाइड नोट डाउन हो गई आपकी, समझ में आ गई ये स्लाइड? चलो बच्चा देखो, ये आपने रशिया में हुआ था हमारा समर ओलंपिक, ये देखो, ठीक है? फिर ब्राजील में हुआ है आपका विंटर ओलंपिक, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रशिया में विंटर हुआ था, ब्राजील में समर हुआ था. अब अभी वाला देखो,
2020 वाला अपना कहाँ पे हुआ है, ये था 32 नंबर का अपना ओलंपिक था, समर ओलंपिक, और हुआ कहाँ है, जापान में। सो अब अपना विंटर वाला कहाँ पे होगा बेटा, ये होगा चाइना में, ठीक है। और इसका नंबरिंग क्या होगी, 24, आगे के भी देख लो आप। फिर 2024 में होगा, देन 26 में होगा, एंड देन 28 में। तो हमें नेक्स्ट और लास्ट कर लेना चाहिए। सो अभी अपना रिसेंट हुआ था जापान में, सो वो याद कर लो। चाइना में कौन सा होने वाला, विंटर होने वाला है, एंड देन उसके बाद फ्रांस, पेरिस फ्रांस हमने कराई था ये भी पहले, कि आपका नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, समर ओलंपिक। यूजुअली ये लोग समर ओलंपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। चलो गोल्डन रेवोल्यूशन, अब हमने एग्रीकल्चर करा नहीं, सो आई डोंट नो, बिकॉज हमें टाइम मिला नहीं अभी। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर, नो, लोअर डाउन योर हैंड, नो नीड टू आस्क, मैं सबसे पूछ लूंगी, जिसको आता है आप पूछ सकते हो अपने आप से। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और सो मुझे दोनों का मीनिंग जो बताए बच्चा, कि सेरिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, और बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे नेम से ही। तो जिसको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, यास्मीन आते हैं बेटा? यस मैम, बताइए गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। I don't know all. I know golden revolution horticulture, ma'am. ये आपने RMS के बस answers कर लिया है ना, ऐसे RMS solve नहीं होगा बच्चा, ऐसे नहीं करना है। Yes, Nazil, चिराग, उस पर रोहित की टर्न है। मैम आंसर दीजिए, milk production। रोहित रोहित रोहित, yes रोहित बताओ। मैम इसका मैम सेरिकल्चर का मतलब मैम जो सिल्क प्रोडक्शन से मैम रिलेटेड होते हैं, सिल्क वर्म से जो सिल्क प्रोडक्शन होता है, हाँ। कुछ ऐसे ही मैम प्रैक्टिस है मैम फूड ग्रो करने की। Why Lakshmi want to access my remote? No, don't do this. नहीं मैम, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है और मैम पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है मैम कर्सर। चलो ठीक है, ऐसा मत करो बच्चा, मैं ओके दे देती परमिशन, आपने मेरी सारी स्लाइड ही घुमा देनी थी फिर है। चलो बच्चा ये देखो आपका, जैसे कि रोहित टोल्ड अस कि जो सैरी आंसर था अपना इस क्वेश्चन का क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन बच्चा किससे रिलेटेड है आपके, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अब हॉर्टिकल्चर बच्चा क्या होता है, इसमें आपके जो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग जो है आपका क्या है वो बच्चा, ये जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इतना लर्न कर लो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। सो गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी हमारा जो मेन फोकस है बच्चा वो किसके ऊपर है, दैट इज हनी। देखो गोल्ड का गोल्ड सा होता है ना, कुछ कलर कुछ ऐसा गोल्डन सा होता है उसका, सो दिस इज द रीजन बच्चा कि इसको क्या कहेंगे, गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, ओके। ऑल्सो जो सेरिकल्चर है, अभी जो हमने इस प्रीवियस स्लाइड में देखा एक वर्ड आया था सेरिकल्चर, सो सेरिकल्चर बच्चा किससे रिलेटेड है, सिल्क वर्म से जो सिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है। नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, नोट डाउन योर क्वेश्चंस, कल मुझे इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, नोट डाउन करते जाइए, और लास्ट में भी आप रिपीट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आई असाइन यू टुडे, जो कि हम कल आते से ही क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। आई वांट कि मेरे सारे बच्चे करके आए। यस लक्ष्य, कौन सा क्वेश्चन है बच्चा आपका, क्वेश्चन ये है, अभी नोट डाउन कौन कौन से करे हैं आपने। मैंने मैम वो मैम फाइव बोला था मैम, आपने वो उसके मैम बताने, और मैम फर्स्ट और लास्ट मैम वो श्री बताने। देखो नोट डाउन एक बार वापस रिपीट करवा देती हूँ मैं आपको सारे क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट वॉइस में हमने करना है, ठीक है। कोई सी भी फाइव ब्रांड्स उनकी टैगलाइंस, लाइक अभी हमने LG का देखा, इन दैट सेम वे कोई सी भी फाइव ब्रांड्स आप करके आओगे, और सारे बच्चे बताओगे मुझे कौन कौन से फाइव ब्रांड्स है। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया है कि हु प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, सॉरी हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ लार्जेस्ट सिल्क, सिल्क जो है कहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सॉरी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, हमारा नेबरिंग कंट्री ही है, ठीक है। हिंट इज दैट, बट स्टिल दिस इज योर होमवर्क, सो नोट डाउन करिए। थ्री क्वेश्चन हो गए हमारे, और कोई क्वेश्चन था बच्चा ये साइंड यू, रोहित, यास्मीन, हाँ जी बताओ बच्चा और कौन सा क्वेश्चन था।
आपने बोला था और एक मोनालिसा इज इन विच म्यूजियम? यस, मोनालिसा जो हमारी पेंटिंग है कहाँ पे है? ओके, ये फोर क्वेश्चन अब आपके पास हो चुके हैं। हाँ जी चिराग, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, प्लीज डोंट डू दिस इन माय क्लास। ऐसे बच्चा मुझे आपसे और आपके पेरेंट्स से दोनों सबसे बात करनी पड़ेगी। युग एंड देवांश एंड आर्यन प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। अच्छा आर्यन आप कर क्या रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग दिस। इतना अच्छा लग रहे हो आप बट आप स्टिल कैमरा ऑन करके राजी नहीं हो। चलिए जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्लाइड। देखो ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस एंड नो वन इज गोइंग टू रेज द हैंड। मैं खुद से पूछूंगी जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है उसने। ठीक है चलिए, हु हैज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न बास्केटबॉल प्लेयर टू गेट सिलेक्टेड इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन? अब ये जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसमें हमारे इंडियन ओरिजिन के कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं? किसी ने आंसर किया है? देवांश, देवांश बच्चा मुझे आंसर कर दे तो सारे राइट करते, बट व्हाई यू डोंट वांट टू स्पीक इन द क्लास? एनी रीजन देवांश? नो मैम। मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता आपको या मैं अच्छी नहीं लग रही जो आप मुझसे बात करके राजी नहीं हो? नो अच्छा अच्छा लगता है। हाँ जी बचाओ बच्चा, क्या आंसर है आपका? मैम सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, ओके। सो बच्चा ये थे वो जिनको बास्केटबॉल एसोसिएशन में फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे, प्लेयर थे। नेक्स्ट इज फॉर आर्यन। चलो आर्यन अब बात बताओगे, हु वॉन द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप इन 2015? अब एज ये हमारे पास 2016 का हम लोग कर रहे हैं, सो वो फोकस किस पे करते हैं? लास्ट पे और नेक्स्ट पे, मीन्स 2015 और 2017 पे फोकस करते हैं। अब हमारे पास 2021 का आएगा, मीन्स अब वो किस पे फोकस करेंगे? 20 पे और 22 पे, नेक्स्ट पे। हाँ जी आर्यन, व्हाट इज योर ऑप्शन? क्या आंसर है आपका? अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता, ओके लेट्स सी। यस अभिजीत गुप्ता। अब देखो आपके ज्यादा 20 और 21 में तो अभी हुआ ही नहीं था, ठीक है 20 में तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से काफी सारे जो गेम्स वो पोस्टपोन हो गए थे, बट अब देखो आपके सब जगह अभिजीत गुप्ता ही चल रहा है, बस 18 में चेंज है। कार्तिकेयन ठीक है इंडिया के थे ये, सो बस 18 में ये चेंज हुआ है, बाकी आपके सब जगह अभिजीत गुप्ता ही चल रहे हैं। ठीक है वेरी इजी टू लर्न, सब जगह बच्चा आपके अभिजीत गुप्ता ही अभी जीते थे। चलो बच्चा ऑल्सो बच्चा ये जो कॉमनवेल्थ है उसमें आई थिंक 54 अबाउट कंट्रीज हैं, ठीक है कॉमनवेल्थ में जो कंट्रीज है 54 कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी अब वेरी इजी क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी और आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पता होगा, तो बताइए बच्चा क्या है रिन्यूएबल? प्लीज लोअर डाउन योर हैंड क्लास, नो नीड टू रेज योर हैंड। और फिर जो हैंड रेस करते हैं वो आगे आ जाते हो बच्चों, आप लोग जो पीछे बच्चे बैठे हैं चुप करके जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लास में। पहले तो मुझे ये बताओ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। सेकंड मुझे आप ये बताओ कि हम किस तरह से इसको कंजर्व कर सकते हैं, ये जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं या कंजर्वेशन क्या होता है? यास्मीन, लक्ष्य, लक्ष्य आपने आज कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया क्लास में, क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी और क्या होता है नॉन रिन्यूएबल? मैम रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स विच वी कैन यूज मोर, मैम विंड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा मैम इन ब्रीथिंग। हाँ जी रोहित, क्या होती है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या रिसोर्सेज? मैम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब मैम ऐसी एनर्जी मैम जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब मैम जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, अच्छा एक्चुअली खत्म हो जाएगी वाली भी बात ठीक है आपको, बट द एग्जैक्ट थिंग इज कि इट टुक्स टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपके, लाइक फॉसिल फ्यूल्स की जब हम बात करें। फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे बच्चा? रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो सालों तक ठीक है हमारी जो अर्थ की लेयर्स है उसमें दबे रहते हैं, उसके बाद बनते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम आज के टाइम में सारे के सारे रिसोर्सेज को फिनिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो कम पड़ जाएंगे। कंजर्वेशन क्या होता है? जस्ट अ मिनट रोहित, आई विल गिव यू ऑप्शन, लेट मी फिनिश दिस। हाँ जी मन्नत, मन्नत आज आपका ध्यान कहाँ है? आप हो, लक्ष्य हो, चिराग हो। आई एम नॉट आस्किंग दिस बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। स्टार्टिंग में आप इतना सीरियसली क्लासेस अटेंड कर रहे थे, मन्नत व्हाट हैपेंड टू यू? आई एम नॉट गेटिंग दिस। मैं क्लास में क्या पूछ रही हूँ आप क्वेश्चन देख करके? नहीं मैं हमेशा यही पूछती थी जो आपका क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा है, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछती हूँ। आई आस्क कंजर्वेशन, नो
मैम आपने रिन्यूएबल और मैम नॉन रिन्यूएबल पूछा है। अभी मैं आपसे कंजर्वेशन पूछ रही हूँ। बस रोहित को आंसर आ रहे हैं सारे, ये हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके। हाँ जी रोहित बताइए। मैम इसका मतलब ये है कि मैम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है तो मैम उनको बचा के रखना और केयरफुली यूज करना। द एग्जैक्ट वर्ड इज यू हैव टू यूज केयरफुली। ताकि क्या हो सके, हम उनको कंजर्व कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ये नहीं कि वो हमें कोसे कि ये क्या सारे के सारे आपने ही फिनिश कर दिए, हमारे लिए तो कुछ रखे ही नहीं है। हाँ जी रोहित बोलो बच्चा। मैम डाउट, मैम पेट्रोल और डीजल भी तो मैम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ बोलो। यस मैम अगर ये खत्म हो जाता मैम मतलब ये खत्म हो जाता मैम धरती से, तो मैम व्हीकल मैम कैसे चलती है? मैम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हमें बहुत जरूरत है। हाँ, बात करते बहुत तभी तो आ रहे हैं आजकल। अब देखो आपको पता नहीं है, इस बार इवन लास्ट ईयर भी ठीक है, जो इंडिया ने जो पेट्रोलियम लिया है अरब कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। यूजुअली कंट्रीज क्या करती है, बच्चा अपने पास एक स्टॉक रखती है। जितनी भी आपकी कंट्रीज है, लाइक इंडिया ने भी अपने पास एक स्टॉक रखा हुआ है पेट्रोलियम का। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।